नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। पुलिस ने हथियार धारकों से अपील की है कि वे अपने हथियार जमा करवाएं। जिले के गांव और शहरों में कार्रवाई की जा रही है। हथियार जमा करवाने की मुनियादी भी की जा रही है। हथियार जमा न करवाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर फतेहाबाद में ही अकेले शहर में ही 1000 से अधिक और ज़िले में 10000 से अधिक असलाधारक हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन ने कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्वक हों और कहीं पर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर का बिगड़े नहीं, इसके लिए प्रशासन एहतियात बरत रहा है। चुनाव आयोग के आदेशों के बाद प्रशासन की ओर से ज़िले में असलाधारकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे अपने गन हाउस में जमा करवाएं जितने भी हथियार हैं। साथ ही प्रशासन की ओर से हथियार धारकों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई हथियार नहीं जमा कराता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि फतेहाबाद जिले में 10000 से अधिक हथियार धारक हैं। इनमें से 370 लोगों ने थाने में अपने हथियार जमा करवा दिए हैं। बाकी के बचे हुए लोग भी धीरे धीरे अपने हथियार जमा भी करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं पल पल फतेहाबाद से ये विशेष रिपोर्ट। जी सर, ये चुनावों को लेकर, जो सुरक्षा को लेकर, जो असलाधारकों को क्या निर्देश दिए गए हैं? शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जनता से अपील की गई है, उन आदेश भी दिए गए हैं कि जिनके पास जो जो असला है अपना असला थानों के अंदर जमा करवाएं। तो 1000 के लगभग 1000 असलाधारक हैं थाना शहर के अंदर, तो जिनमें से 370 ने असला जमा करवा दिया है। तो बाकी प्रयास जारी, उनको कहा गया अभी सभी को अपने असला सभी जमा करवाएंगे, तो उसके बाद 30 तारीख का समय दिया गया है इनको। 30 तारीख को जमा करवा देंगे, दी बेस्ट है, नहीं करवाते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके जो लाइसेंस बने हैं वो कैंसिल करने के लिए आगे लिखा जाएगा।